रांची में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें मिल रही थी कि संक्रमण बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या कम होती जा रही है। इसे लेकर गुरुवार को रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि ऐसी बातें भ्रम फैलाने वाली हैं। हमने बेड की संख्या बढ़ा दी है। तीसरे तल्ले पर कोविड के लिए डेडिकेटेड 60 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड तैयार कर दिए गए हैं। उसके आलोक में हम लोग 60 बेड तैयार हो चुका है और फोर्थ फ्लोर पर भी ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड 120 तैयार। सर तो थर्ड फ्लोर में भी ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था की गई है? हाँ, थर्ड फ्लोर पर तो सबसे पहले की गई थी। थर्ड फ्लोर पे आईसीयू बेड्स में अभी उसमें अभी वैसे मरीज भी रखे जा रहे हैं जो कि ज्यादा गंभीर है, अन्यथा जो कम गंभीर है उनको फोर्थ फ्लोर पे हम लोग रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ टोटल 240 बेड्स ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स तब तक तैयार हो जाएंगे और प्लस 60 आईसीयू बेड्स पे वेंटिलेटर, हर बेड पे वेंटिलेटर की व्यवस्था। लेकिन आपको हैरानी होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिविल सर्जन झूठ बोल रहे थे। लगातार .in ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तीसरे तल्ले का जायजा लिया और वहां निर्माण कार्य अभी भी जारी है, यानी आज 8 अप्रैल तक वहां कोई बेड नहीं लगा था। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।